जी दोस्तों, फिलीपीन में बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। चेक करो वेदर, चेक करो। अरे मेरी बाइक कहाँ गई? हाँ वो खड़ी है, उन्होंने मेरी बाइक इधर कर दी है। मैंने कहा बाइक कहाँ गई साड़ी? तो वो गाड़ी की जगह है, बाइक की जगह ये है। यार ये भी बड़ी बाइक है यार, कमाल बारिश हो रही है। और आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, होटल मैंने चेंज किया है और ये मुझे पड़ गया 300 मन्नत। मन्नत बोल रहा हूँ, इतना गया हूँ बाकू 300 धर्म का। तो ये देखिए आप, बारिश हो रही है। ओ यार मैं डर गया, मेरी बाइक कहाँ गई? वो बाइक उन्होंने यहाँ पे पार्क कर दिया। ये हमारी बाइक ही है ना, कहीं साड़ी बाइक चुकी तो नहीं गई? चाबी लगा के देख लेते हैं, एवं ही पा रही साड़ी बाइक को चुक के ले जाए, फ़ायदा कोई नहीं। नहीं यार मेरी बाइक ही है। ओके उसने खोली कैसे, मुझे ये नहीं समझ आ रही। यार बारिश ऑन एंड ऑफ हो रही है, कभी शुरू हो जाती है, कभी बंद हो जाती है, कभी शुरू हो जाती है। घूमना मुश्किल है बाहर, बट ये है रेनकोट ले लेते हैं, रेनकोट से फिर कोई मसला नहीं, घूमते रहेंगे। बट दुबई की गर्मी के बाद ये बारिश बहुत अच्छी लग रही है। दोस्तों मेरे होटल के नीचे एक कैफ़े है, बोटनी, अ प्लांट बेस्ड पायलट किचन बाय उमानी। पूरा प्लांट बेस्ड खाना है, वेजन लोगों के लिए, वेगन लोगों के लिए। सो देखते हैं अभी क्या खाना है, मुझे तो तबार नहीं है भाई, मैं तो कुछ सादी सी चीज़ ले लूँगा। बट कैन यू गिव मी विदाउट मीट एनीथिंग, लाइक आई डोंट नीड मीट। जी दोस्तों हमने मंगवाया नेचुरल्स, आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट होगा भाई नेचुरल्स का। भूख लगी हुई है, कुछ भी मिल जाए यार अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं। साथ में है भाई पानी, दारू वारू नहीं है, पानी है एज अ मुस्लिम पर्सन। सो ये रहे हमारे नेचुरल्स, चलो खाते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? होप ठीक होंगे। मैं हूँ यार इस टाइम फिलीपींस में, मनीला में, और यहाँ पे हूँ बीजी सीन का एक एरिया है, आपको दिखाता हूँ, बड़ा फेमस। और इन्होंने पूरा वेनिस की तरह का बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा वेनिस का सेट लगाया है बेसिकली, और बड़ा अच्छा बना हुआ है, मज़ा आया देख के, जगह बहुत अच्छी है। अगर आप लोग भी फिलीपीन आ रहे हो और मनीला में हो, सो ये देखने वाली जगह है, बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। ब्रिज वैसे ही जैसे वेनिस में है, जैसे ग्लोबल विलेज में लगता था ना दुबई में सेट, वैसे ही। तो आपको दिखाता हूँ, वेट नहीं करा, ये देखो दोस्तों। प्यारा है ना दोस्तों, ब्यूटीफुल है यार, दिल करे मैं भी बोट की सैर करूं। टूरिस्ट बैठे हुए हैं उसमें, मैं भी जाता हूं यार देखता हूं। ये है दोस्तों वेनिस, मैं भी वेनिस में खड़ा हूं। मुझे लगता है वेनिस इतना प्यारा नहीं होना, सुना वहां पे गो आती है बहुत, पता नहीं है। जो लोग यूरोप गए हैं प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ, जब वीज़ा देगा तो ज़रूर जाएंगे, यूरोप भी जाएंगे, यूरोप भी इंशाल्लाह एक दिन जाएंगे। ऑल सेंट्रल ग्रैंड मॉल बीजीसी, आपको हर बंदा बोलेगा बीजीसी जाओ, बीजीसी जाओ, ये है बीजीसी। बहुत डेवलप है यार मनीला, बहुत डेवलप है भाई, बड़ा बहुत है,
इतना बड़ा है कि मैं क्या बताऊँ। इसके अंदर सिटी बने हुए, ये देखो यहाँ से दोनों तरफ का व्यू, इधर भी है और उस तरफ भी है। यार बोट लेते हैं, मज़ा आएगा, देखते हैं बोट कैसी है। ये देखो ज़बरदस्त है, अच्छा बनाया है वैसे इन्होंने। पूरा मॉल उस तरफ भी है, राइट पे भी है, लेफ्ट पे भी है। सिनेमाज बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स हैं बहुत सारे। आज वीकेंड है इसलिए बहुत ज़्यादा रश है। ऊपर चलते हैं या पहले बोट पे चलते हैं? यार मुझे भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं पहले, क्योंकि ना मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ सुबह से। वो दूसरी जगह मैं गया था वहाँ, यहाँ भी सेन में है भाई। कैनाल सेंट्रल मनीला, वेनस कैनाल सेंटर पूरा नाम। यहाँ से तो और भी राउंड है भाई। जॉली भी ली है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इनकी प्राइसेस सही है, मुनासिब है। थैंक यू। 400 पैसे का पड़ा है, 27 दिरहम समथिंग 400 पैसे के लिए। हमने काफ़ी कुछ लिया है, 2 पीस चिकन, 1 बर्गर, 800 रुपये से कुछ नहीं खाया था, और 2 ड्रिंक, और ये चावल भी देते हैं गोल से जो है ना, चावल भी होते हैं इसके अंदर, चावल बहुत खाते हैं भाई ये बॉयल वाले। ये रहा जॉली भी, आप देखिए ये वाले में कम रश है नहीं तो हर जॉली भी भरा होता है यार। चले खाना खाते हैं, खाने को वेट नहीं कराते। अब थोड़ा ये कैनाल सेंट्रल मॉल को एक्सप्लोर करते हैं। वेनिस, वेनिस कैनाल सेंट्रल, वेनिस पता नहीं मैं क्यों भूल जाता हूँ। अगला ने इतनी मेहनत की थी। हेलो, थैंक यू। जी फ्रेंड्स, लोगों की छुट्टी है आज और लोग क्लाउंस भी हैं बहुत सारे, दे ड्रेस्ड अप फॉर किड्स, बहुत बच्चे हैं, बहुत फैमिलीज हैं। वहाँ से चलती है बोट यार, यार बैठ के राइड लेनी है, क्या करूँ, छोड़ो यार, अकेला क्या करूँगा मैं, बोर अजीब लगूँगा, ये इतनी सी राइड है, चलो छोड़ो। ये था छोटा सा व्लॉग वेनिस ग्रैंड सेंट्रल मॉल का, मनीला का, इन फिलीपींस। आई होप आपको पसंद आया होगा, ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा यार, फिर बोर हो जाते हैं लोग। आई थिंक थोड़ा स्टाइल चेंज करते हैं और शॉर्ट करते हैं व्लॉग्स को, थोड़ा रखेंगे और ज़्यादा मेरी फोकस जो है वो आपको दिखाने के ऊपर है, बच्चा बोर रो रहा है, और ना कि खुद को बच क्या बोल रहा हूँ, बच्चे ने मेरा दिमाग घुमा था। अच्छा जी, सो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग,
यार दोस्तों इसको तो उतार दूं, मैं भी आ गया हूँ बीजीसी में। यार ये भी मकाठी की तरह का एक सिटी टाइप आप कह लो, और पूरा सिटी है, फाइनेंशियल सिटी समथिंग लाइक दैट। अच्छी जगह है, बहुत सारे क्लब्स हैं। मैं तो दुबई से आया हूँ, मुझे बिजनेस पे लग रहा है, लेकिन मैं आपको सराउंडिंग्स दिखाता हूँ। बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत सारे कैफेज हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं, और मतलब अच्छे वाले, मतलब आप कह लो कि मतलब अच्छी जगह। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए सराउंडिंग में आप, पूरा सिटी ऐसे ही है, बीजीसी। बहुत साफ़ है यार, मतलब अच्छा बनाया है पूरा, जैसे इमार का सिटी वॉक मिराज टाइप है ना वैसे। दोस्तों मैं आपको थोड़ा बाइक के ऊपर ही दिखाने की कोशिश करता हूँ, पूरा सिटी अराउंड एंड एवरीथिंग। होप आप लोगों को अच्छा लगे, मैं ट्राई करता हूँ अच्छा सा पूरा दिखा पाऊँ। बहुत रश है, डब्ल्यू होटल, काफ़ी बड़े बड़े होटल्स भी हैं यहाँ पर। मकाठी में ज़्यादा होटल्स हैं, मकाठी के बाद आप कह लो कि ये आई थिंक उससे नया वाला एरिया ही है बीजीसी। और मुझे कोई कह रहा था कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नज़र आती हैं दुबई की तरह यहाँ पे, रोल्स राइज ये वो, क्योंकि आज वीकेंड है इनका। जी दोस्तों मैंने अड़ा दिया फ़ोन, अब देखते हैं यार। मैं अगर वो लिया था ना जोड़ने वाला तो बड़ा अच्छा काम हो जाता, लेकिन अभी आपको थोड़ा ये कॉर्नर अवॉइड करना पड़ेगा, बाकी आपको पूरा सिटी ऐसे दिखा। दिस इज कॉल्ड बीजीसी। गिर गया था, आपको थोड़ा सा एक मकाठी का शेडी एरिया दिखा देता हूँ जो नाइट लाइफ के बारे में मशहूर है, और उसको यहाँ का रेड लाइट एरिया भी कहते हैं। मैं आपको थोड़ा व्यू दे देता हूँ, इसको रेड लाइट एरिया भी बोलते हैं, पूरा रेड लाइट एरिया है, क्लब्स हैं, बार्स हैं, तो आप लोग भी एहतियात करें जब आएँ तो। ये हमारे देसी आज बारिश है तो रश कम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा रश होता है इधर। आज बारिश की वजह से बिल्कुल ज़्यादा रश नहीं है, नहीं तो बहुत रश होता है। और ये आप बाहर देखिए, बहुत सारे बार्स हैं दोस्तों, बहुत सारे क्लब्स हैं। आपको कुछ गलियां और दिखा देता हूँ बाइक के ऊपर। इसको बोलते हैं मकाठी एरिया।